नमस्कार दोस्तों, सत्यम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं विशाल चौधरी आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम आपको क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री उपलब्ध कराएंगे। इसमें सबसे पहले हम चर्चा करेंगे पटवार की, इसके बाद हम एसएससी, बैंक, रेलवे और राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज हम पटवार की क्लासेज स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे पटवार का सिलेबस, इस पर चर्चा करूंगा। देखिए, पटवार एग्जाम में जो इस बार मैथ्स का जो सिलेबस रखा है, उस सिलेबस में आपको पहला टॉपिक मिलेगा गणितीय संक्रियाएं। अब गणितीय संक्रियाएं क्या होती हैं? गणितीय संक्रियाओं में आपको जोड़, बाकी, गुणा, भाग, वर्ग, घन, वर्गमूल, घनमूल और भिन्न, ये कुछ टॉपिक हैं जिन पे हम चर्चा करेंगे। गणितीय संक्रियाओं में आपको सरलीकरण, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी मिल सकता है, या चिन्हों की आपस में अदला बदली करेगा, इस पर आधारित भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। तो हम दोनों तरह के क्वेश्चंस को यहां पर डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये मैथ्स का बेसिक होता है, यहां से आप मैथ्स की बेसिक चीजों को जान सकते हैं और मैथ्स को हम थोड़ा आसान बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे व्यवहारिक गणित यानी अप्लाइड मैथ्स की। देखिए, व्यवहारिक गणित में हमारे पास वैसे तो तीन यहां पर टॉपिक बनते हैं। पहला है प्रतिशतता। प्रतिशतता एक बेसिक टॉपिक है और जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि जो यहां हमने लास्ट छोड़ा था यानी भिन्न, उसी भिन्न से शुरुआत होती है इस प्रतिशतता की। अच्छा, अब प्रतिशतता हमारे डेली लाइफ में कैसे काम आता है? देखिए, अगर आप एक व्यापारी हैं तो व्यापारी का काम है वस्तुएं खरीदना और बेचना, और इसी में वो क्या ढूंढता है? अपना लाभ और हानि। तो प्रतिशतता पर आधारित एक टॉपिक होगा लाभ हानि। इसमें जितना भी हमने प्रतिशतता में जितने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन सबको हम यहां पर यूज में लेंगे। अच्छा, इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्याज। जैसा अगर हमारे घर में कुछ एक्स्ट्रा पैसा है तो उस पैसे को या तो हम किसी को उधार देंगे या फिर हम उसको बैंक में जमा करा देंगे। दोनों का एक ही उद्देश्य है कि उस पैसे में वृद्धि हो जाए, और उसी वृद्धि को हम क्या कहते हैं? ब्याज कहते हैं। ब्याज हम दो तरह से पढ़ेंगे, एक तो सरल ब्याज और दूसरा कौन सा? चक्रवृद्धि ब्याज। तो प्रतिशतता इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो लाभ हानि, सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज यहां पे करेंगे। तो हमारे सिलेबस में प्रतिशतता है और इसके अनुप्रयोग हैं, यानी इसका हम यूज कहां कहां करने वाले हैं। इसके बाद दूसरा जो बेसिक टॉपिक बनता है वो है औसत। ये भी एक व्यवहारिक टॉपिक है, जैसे आप पढ़ते हो जन्म दर, मृत्यु दर या लिंगानुपात, ये सब क्या होते हैं? ये सब आपको औसत बताते हैं। औसत के बाद तीसरा जो अपने पास बेसिक टॉपिक बनता है वो है कौन सा? अनुपात। और अनुपात आएगा तो उसके साथ साथ समानुपात भी आएगा। तो अनुपात समानुपात ये एक बेसिक टॉपिक है। अब इसका प्रयोग हम कहां कहां करते हैं? देखिए, अनुपात आपसे सीधा सीधा नहीं पूछा जाएगा, वो आपसे साझा के रूप में पूछा जाएगा, पार्टनरशिप या साझा। वो आपसे पूछा जाएगा मिश्रानुपात, जिसको आप एलिगेशन के नाम से जानते हैं, या इसी को हम कहेंगे कि मिलावट। अच्छा, इसके अलावा एक टॉपिक और है जो औसत और अनुपात दोनों का ही उसमें हम यूज करेंगे, और वो है क्या? आयु। तो इस तरह से अनुपात समानुपात के साथ साथ ये भी आते हैं, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है।
अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक और आपको दिया गया है और वो है इकाई नियम। इसको आप एकिक नियम के नाम से भी जानते हैं। अब आप कहेंगे सर ये तो कुछ नया है। नहीं, बिल्कुल कुछ भी नया नहीं है इसमें। यहां पर आपको क्वेश्चन किस तरह से मिलेगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलेंगे कि 20 बाल्टी और 16 मग इनकी कीमत दे दी 1024 रुपए। फिर कहेगा कि 16 बाल्टी और 20 मग इनकी कीमत है 984 रुपए। तो आपसे पूछ लेगा कि यहां पर 8 बाल्टी और 8 मग की कीमत क्या होगी। और अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले आपको 1 बाल्टी और 1 मग की कीमत निकालनी है, और जब यह कीमत आ जाएगी तो उसके हिसाब से आप 8 बाल्टी और 8 मग की कीमत बता सकते हैं। या इसी में आपको क्वेश्चन देगा इकाई नियम में कि 20 मजदूर किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, तो बताइए 25 मजदूर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। इसे हम या तो मिश्र समानुपात कहते हैं या ऐसे क्वेश्चंस को भी हम इकाई नियम से ही हल करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन इकाई नियम में यहां पर हम रखेंगे। अच्छा, इसके बाद अगला जो अपने पास टॉपिक होगा, नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा क्षेत्रमिति। देखिए, पहले आपसे फील्ड बुक पूछी जाती थी। फील्ड बुक क्या होती थी, किसी खेत के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते थे कि इस खेत का कुल क्षेत्रफल क्या होगा, जिसमें या तो त्रिभुज बनते थे, एक समकोण त्रिभुज बनेगा या तो उसमें, या फिर उसमें बनते थे समांतर चतुर्भुज। उनके आधार पर हम फील्ड बुक, आपने आठवीं क्लास में फील्ड बुक को पढ़ा होगा, इस बार फील्ड बुक को हटाकर उसकी जगह जहां से फील्ड बुक आता है यानी क्षेत्रमिति से ये आपको दे दिया टॉपिक। अब क्षेत्रमिति में हम बात करते हैं त्रिभुज की, चतुर्भुज की और वृत्त की। इन तीनों से रिलेटेड हम क्वेश्चंस की बात करेंगे। और क्षेत्रमिति का ही एक दूसरा रूप है और वो क्या है, आयतन। क्षेत्रमिति में अक्सर हम उन आकृतियों की बात करते हैं जिनको आप जमीन पर, कागज पर या बोर्ड पर बना सकते हैं, लेकिन आयतन में हम उन आकृतियों की बात करेंगे जो जमीन से ऊपर उभरी हुई हैं, उठी हुई हैं। सिर्फ वो आकृतियां हम उनकी बात करेंगे जिसमें घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, छिन्नक, इस तरह की आकृतियां होंगी। तो ये अपना पटवार का सिलेबस है। आप एक बार सिलेबस बहुत अच्छे से देख लें। सिलेबस के बारे में हमें इसलिए पता होना चाहिए, सिलेबस काम करता है एक तरह से, ये गूगल मैप है। जैसे आपको कहीं भी जाना हो तो कहीं जाने के लिए आप क्या करेंगे, गूगल मैप का सहारा लेंगे, बहुत कम टाइम में आप सटीक जगह पर पहुंच सकेंगे। बिल्कुल ऐसे ही सिलेबस भी यही काम करता है कि आप एक एक टॉपिक को अगर कवर करते हैं तो एक एक टॉपिक को कवर करते जाएं, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले गणितीय संक्रियाओं की बात करेंगे। मैं कुछ छोटी छोटी चीजें आपको बताऊंगा। आपको ये चीजें स्कूल में कुछ अलग तरीके से बताई गई थी, अब उनको हम कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से पढ़ेंगे कि यहां पर उनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं। जोड़, बाकी, गुणा, भाग, ये मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो उनके साथ साथ बताता जाऊंगा कि हम नए नए क्या क्या तरीके यूज करेंगे। हम अभी शुरुआत करेंगे कहां से, वर्ग से। अक्सर वर्ग, वर्गमूल, घन या घनमूल, इनमें हमें दिक्कत रहती है। हमें नहीं पता 10 तक, 15 तक हमें मुश्किल से वर्ग, वर्गमूल इनके बारे में पता होता है। अब हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे। मैं आपसे सिर्फ 10-20 तक बात नहीं करूंगा, मैं आपसे 1000-2000 तक की बात करूंगा कि 1000-2000 तक भी अगर आपको संख्याएं मिल जाएं तो उनके वर्ग आप चुटकियों में निकाल सकें। जी हाँ, आप उनके वर्ग चुटकियों में निकालेंगे, मैं ऐसे तरीके आपको बताऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कहां से, वर्ग से। वर्ग में हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले हमें 25 तक वर्ग याद हों। 25 तक अगर मुझे वर्ग याद हैं तो मैं 125 तक इनको इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं। इससे आगे फिर हम 200, 300, 400 और 1000, 2000, अगर इस रेंज में भी कोई संख्या आती है तो उसके भी बहुत आसानी से वर्ग निकाल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक छोटा सा तरीका बताऊंगा जिससे मात्र 3-4 सेकंड में आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। वर्ग हमारे कहां कहां काम आएंगे, सबसे पहले वर्ग प्रतिशतता में काम आएगा, लाभ हानि में काम आएगा, इसके अलावा ब्याज, जिसमें स्पेशली चक्रवृद्धि ब्याज, यहां हम वर्ग का यूज करेंगे। इसके अलावा क्षेत्रमिति, यहां भी हमें वर्ग का यूज करना होगा।
तो इसलिए वर्ग को समझना पहले जरूरी है। अच्छा, सबसे पहले मैं बात करता हूँ 25 तक वर्ग, जिसमें मैं ये मानता हूँ कि आपको 10 तक वर्ग याद होंगे। 10 से आगे अगर मैं वर्ग की बात करूं, जैसे 11 का वर्ग तो ये होगा 121, 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 14 का वर्ग 196, 15 का वर्ग 225, 16 का वर्ग 256, 17 का वर्ग 289, 18 का वर्ग 324, 19 का वर्ग 361 और 20 का वर्ग होता है 400। 21 का वर्ग 441, 22 का वर्ग 484, 23 का वर्ग 529, 24 का वर्ग 576 और 25 का वर्ग 625। अगर हमारे 25 तक वर्ग क्लियर हैं, तो इन्हीं की मदद से मैं इनको 125 कैसे बनाऊंगा? देख, किसी भी वर्ग के अंतिम दो अंक जो रहते हैं, वो कोई भी संख्या आप उठा के देख लो, दुनिया की कोई भी संख्या हो, उसके वर्ग में जो अंतिम दो अंक आते हैं वो भी सेम होते हैं। मतलब 1 से लेकर 25 तक के वर्ग में जो अंतिम दो अंक हैं, वो किसी भी संख्या के वर्ग के अंतिम दो अंक होते हैं। यानी 25 के बाद एक रिपीटेशन शुरू हो जाता है, इसलिए हम सिर्फ 25 तक वर्ग याद करेंगे। अच्छा, इसके बाद हम दो आधार पढ़ेंगे। अपना पहला आधार होगा 50 और दूसरा आधार होगा 100। इन दोनों आधार की मदद से हम बाकी वर्ग 3 से 4 सेकंड में निकालना सीखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आधार 50 से। आधार 50 में अगर अपन बात करें, तो इसकी मदद से हम 50 से 25 कम और 50 से 25 ज्यादा, यानी 25 से लेकर और 75 तक के वर्ग हम कंप्लीट करेंगे। अब 50 का वर्ग कितना होता है? 2500। अगर संख्या 50 से बड़ा है तो उसका वर्ग भी 2500 से बड़ा होगा, और अगर संख्या 50 से छोटा है तो उसका वर्ग भी 2500 से क्या होगा? छोटा होगा। यानी यहां पर हमें ध्यान रखना है सिर्फ किसका? इस 25 का, कि संख्या अगर 50 से बड़ी है तो हम इस 25 में कुछ जोड़ देंगे, और अगर संख्या 50 से छोटी है तो 25 में से उतना ही घटा देंगे। जैसे 51 का वर्ग मुझे करना है, ये 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो मैं 25 में 1 जोड़ूंगा, 26 हो जाएगा, मुझे दो अंक मिल गए। बचे दो अंक हम कैसे निकालेंगे? देखिए, इस 1 का वर्ग कितना होता है? 1 होता है, लेकिन मैं इसे लिखूंगा 01। तो अंतिम दो अंक मुझे ऐसे मिलेंगे कि संख्या 50 से जितनी ज्यादा होगी उसका वर्ग करेंगे, अगर वर्ग से दो अंक ना मिले तो मैं इसमें 0 लगाऊंगा। देखिए फिर से देखते हैं, 53 का वर्ग 50 से 3 ज्यादा, 25 में 3 जोड़ते हैं कितना हो जाएगा? 28। अब 3 ज्यादा है 50 से, तो मैं क्या करूंगा? इसी 3 का वर्ग करूंगा, जो कितना हो जाएगा? 09। नंबर 50 से 3 ज्यादा था, मैंने 25 में 3 जोड़ा और उसी 3 का वर्ग किया। चलिए 56, 50 से 6 ज्यादा है, मैंने 25 में 6 जोड़ा, 31, और 6 का वर्ग कितना हो जाएगा? 36। चलिए 59 का वर्ग 50 से 9 ज्यादा, 25 में 9 जोड़ा, 34, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 81। आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी जगह संख्या होती 62, 50 से कितना ज्यादा? 50 से 12 ज्यादा, मैं 25 में 12 जोड़ूंगा, 37 हो जाएगा, और जितना ज्यादा होता है उसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, तो 12 का वर्ग 144, ये रखना है और इसे फॉरवर्ड करना है, तो संख्या बनेगी 3844। चलिए फिर से देखते हैं, अगर संख्या होती 66, 50 से 16 ज्यादा, मैं 25 में 16 जोड़ूंगा,
25 में 10 जोड़ा, 35, 6 जोड़ा तो 41। जब भी जोड़ना हो तो हमेशा आप इसी तरीके का यूज करेंगे कि सबसे पहले बड़ी संख्या को जोड़ लो, फिर जो छोटा मोटा बचा हम इसको जोड़ेंगे। यह आदत आज से डालें जिससे हम आगे चल के कैलकुलेशन को आसान बनाएंगे। तो 25, 10, 35, 6, 41 और 16 का वर्ग 256। अब इसमें से मैं 56 रख सकता हूं और 2 को मैं, ये हासिल है इसको मैं आगे भेज दूंगा, संख्या बनेगी 4356। चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 का वर्ग, अगर मुझे 22 का वर्ग 484 याद है तो 72 का वर्ग हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे 25 में 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 47। जोड़ने का तरीका, पहले 20 जोड़ दो 45, 2 जोड़ दो कितना 47। और 22 का वर्ग 484 तो 84 रखना है, 4 हम आगे भेज देंगे तो 47 और 4 51 हो जाएंगे, 51 84। देखिए कितना आसानी से हमने संख्या का वर्ग निकाला, बहुत इजीली आप ये वर्ग निकाल सकते हैं। तो ऐसे मैं 50 से आगे बढ़ूंगा, 51 से लेकर 75 तक मैं ये वर्ग कंप्लीट कर सकता हूं। चलिए अब बात करते हैं, अगर संख्या 50 से छोटी है तो इसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मुझे इस बार संख्या मिल जाए 49, तो मैं जानना चाहूंगा कि 50 से कितना छोटा है, 1। यानी 49 का वर्ग हो जाएगा कि 50 से 1 कम है, तो मैंने 25 में से 1 कम कर दिया, संख्या बनी कितना 24। अब जितना कम है उसी संख्या का वर्ग कर दे, जैसे पहले हम ज्यादा का वर्ग कर रहे थे इस बार हम कम का वर्ग करेंगे, तो 1 का वर्ग हो जाएगा कितना 01। चलिए फिर से 47 का मुझे वर्ग निकालना है, 50 से कितना ज्यादा, सॉरी कितना कम 3, तो मैं 25 में से 3 कम करूंगा 22 हो जाएगा। और अब जितना कम है उसी संख्या का मैं वर्ग निकाल दूं तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, जिसे मैं लिखूंगा 09। फिर से अगर इसकी जगह संख्या होती 42 तो 50 से कितना कम 8, तो मैं 25 में से 8 कम कर दूं, संख्या बनेगी 17। और जितना कम है उसी संख्या का वर्ग करें तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, संख्या बनेगी 1764। अच्छा अगर इसकी जगह संख्या होती 39, 50 से कितना कम 11, 25 में से 11 घटाएं, 10 घटा दें 15, 1 घटाएंगे 14 हो जाएगा। 25 में से 11 घटाना कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, यहां 11 का वर्ग कितना होगा, क्योंकि जितना कम होता है 50 से संख्या उतना है, उसी संख्या कम वर्ग करते हैं, तो 11 का वर्ग 121, 21 रखना है 1, ये फॉरवर्ड हो जाएगा यानी इसको हासिल हम आगे भेज देंगे तो संख्या बनेगी 1521। अच्छा अगर इसकी जगह आपको संख्या दे देता मान लो 36, तो 50 से कितना कम 14, तो 25 में से 14 कम कर दें, संख्या बनेगी 11। और 14 का वर्ग होता है 196, 96 रखना है 1, फॉरवर्ड होगा हासिल होगा तो 1296, 11 और 1 12 हो जाएंगे। अच्छा इसके बाद मान लो संख्या मिले आपको 32, 50 से कितना कम 18, 25 में से 18 घटाएं तो 7 हो जाए, और 18 का वर्ग कितना हो जाएगा 324, 24 रख लो 3 आगे भेज दो तो 7 और 3 10 हो जाएंगे, 10 24 बनेगा। मान लीजिए संख्या है 28, 50 से कितना कम 22, 25 में से 22 घटाते हैं तो 22 घटाने पर मुझे संख्या क्या मिलेगी 3, और 22 का वर्ग कितना होता है जैसा अभी हमने पहले पढ़ा था 484, तो 84 रखेंगे 4 आगे चला जाएगा तो संख्या बनेगी कितना 784। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं अगर हम उसका आधार 50 माने तो 50 की मदद से जैसा मैंने आपको कहा कि 25 से 75 तक के वर्ग हम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दूसरे आधार की बात करते हैं, दूसरा अपना आधार होगा क्या 100। अब 100 पर अगर बात करें तो यहां पर हम संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे और हमारी रेंज क्या होगी। देखिए अब इस बार मैं 75 से आगे बात करूंगा यानी 100 से 25 कम और 125 तक बात करूंगा, तो 75 से 125 तक के वर्ग ये हम निकालेंगे किसकी मदद से, आधार 100 की मदद से। यहां पर हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले 100 का वर्ग कितना 10,000, इसका मतलब अगर मुझे 100 से बड़ी संख्या मिलेगी तो उसमें 5 अंक होंगे और 100 से जितनी भी छोटी संख्याएं होंगी उसमें मुझे 4 अंक मिलेंगे। आप तो इस तरह से ध्यान रखना कि यहां 3 अंक और 2 अंक, इस तरह से मैं इसके
दो हिस्से बनाऊंगा, मतलब मेरे पास दो हिस्से बने, पहला हिस्सा 3 अंक का और दूसरा हिस्सा 2 अंक का। चलिए अब आगे बात करते हैं कि मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 101 का वर्ग क्या होगा। अच्छा बताएंगे ये संख्या 100 से कितना ज्यादा, जैसे लास्ट टाइम हम 50 से ज्यादा देख रहे थे, इस बार हम कहेंगे कि संख्या 100 से कितना ज्यादा है, तो ये 100 से 1 ज्यादा है। संख्या 100 से जितनी ज्यादा हो उतना संख्या में आप जोड़ दो, जैसे ये 100 से 1 ज्यादा है तो मैंने संख्या में 1 जोड़ दिया, तो 101 प्लस 1 102 हो गया। और 1 का वर्ग कितना होता है, 01, यहां से मिले 3 अंक और यहां से वर्ग करने पर मुझे क्या मिला, 2 अंक मिले। हाँ, 2 मिल नहीं रहे थे इसलिए मैंने क्या लगा दिया, 0। देखिए फिर से 103 का वर्ग मुझे निकालना है, 100 से कितना ज्यादा, 3, तो मैं इस नंबर में 3 जोड़ दूंगा, तो 103 में 3 जोड़ा तो संख्या बनेगी कितना, 106। 3 अंक मिल गए, बचे 2 अंक। अब संख्या 100 से जितनी ज्यादा थी उसी का हम वर्ग करेंगे, तो ये 100 से 3 ज्यादा थी, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, जिसे मैं लिखूंगा 09। अगर इसकी जगह संख्या होती 107 तो 100 से कितना ज्यादा, 7, तो मैं संख्या में 7 जोड़ूंगा तो ये बनेगा 114, और 7 का वर्ग कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा, तो 114 49। अच्छा अगर इसकी जगह होता 109 तो ये 100 से कितना ज्यादा है, 9 ज्यादा है, तो मैंने संख्या में 9 जोड़ दिया, 118, और 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी जगह संख्या होती 112, मुझे 112 का वर्ग निकालना है। अच्छा इस बार 100 से कितना ज्यादा, 12, मैं संख्या में 12 जोड़ूंगा, यह बनेगा 124, और 12 का वर्ग कितना होता है, 144। इस बार हो गए 6 अंक, जैसा वर्ग से मुझे 3 अंक मिले, मुझे चाहिए थे कितने, 2 अंक, तो मैं अंतिम 2 अंक रखूंगा और इस 1 को मैं हासिल आगे भेज दूंगा, तो यहां से मेरे पास संख्या बनेगी कितना, 124 का 125 हो गया और साथ में कितना, 44। अच्छा फिर से अगर इसकी जगह संख्या होती 115 तो यह 100 से कितना ज्यादा, 15, तो 115 प्लस 15 130 हो जाएंगे, और 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, 225, 25 रखना है, 2 आगे चला जाएगा, संख्या बनेगी 132 25। अब हमें 25 तक वर्ग याद थे तो मैं इसको 125 तक लेके जा सकता हूं। चलिए इसी को आगे बढ़ाते हैं, अभी अगर इसकी जगह आपसे संख्या पूछी जाए, जैसे इसकी जगह संख्या होती 117, हाँ तो याद करें 17 का वर्ग कितना होता है, 289, तो सबसे पहले मैं संख्या में 17 जोड़ूंगा, 134, और 17 का वर्ग कितना हो जाएगा, 289, तो 89 रखना है, 2 आगे भेजना है, तो संख्या बनेगी 136 89। आगे बढ़ते हैं, अगर संख्या होती 121, 121 प्लस 21 142, और 21 का वर्ग कितना होगा, 441, 41 रखना है, 4 को आगे भेजेंगे तो संख्या बनेगी 140 41, 142 प्लस 4 140 हो गए और साथ में 41। अच्छा अगर 124 होता, अच्छा याद करें 24 का वर्ग कितना, 24 का वर्ग होता है 576, तो हम कहेंगे 124 प्लस 24 148, और 24 का वर्ग 576, 76 रखना है, 5 आगे जाएगा तो यहां से संख्या बनेगी 148 और 5 153 और साथ में कितना, 76। तो जब संख्या 100 से बड़ी होगी तो हमें संख्या में उतना ही जोड़ना है जितना ये 100 से बड़ी है। चलिए अब बात करते हैं अगर संख्या 100 से छोटी होती है तो ऐसी संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालेंगे। अगर इसकी जगह संख्या होती 99, तो ये 100 से कितना कम है, 1, तो मैं संख्या में से 1 घटा दूंगा, 98 हो गया। अच्छा जितना कम है उतना मैं उसी संख्या का वर्ग करूंगा, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा, 01 हो जाएगा, वर्ग से 2 अंक नहीं मिले इसलिए मैंने 0 लगाया। अच्छा फिर से 97 की बात करें, ये 100 से कितना कम है, 3, तो मैं नंबर में से 3 घटा दूं, 94 हो जाएगा, और 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, जिसको मैं लिखूंगा 09। संख्या होती 92, 100 से कितना कम, 8,
तो मैं संख्या में से 8 घटा दूंगा। संख्या 100 से जितनी कम है उतना संख्या में से घटा दो। तो मैं संख्या में से 8 घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा? देखिए, 2 घटाया तो 90 बचेगा, और अभी 6 और घटा दूं तो क्या होगी संख्या? 84। अच्छा, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। तो संख्या बनेगी 84 64। अच्छा, अभी बात करें 89। 100 से कितना कम है? 11। तो मैं संख्या में से 11 कम करूंगा। घटाने का तरीका अपना वही कि पहले मैं 10 घटाऊंगा तो 79 और 1 घटाऊंगा तो 78। हमेशा इसी तरह से घटाना। वो दिन गए जब आप 89 के नीचे 11 लिखते थे और फिर इसको घटाते थे। नहीं, ऐसे नहीं, बहुत आसानी से आप इसे घटा सकते हो कि पहले 10 घटाएंगे 79, 1 घटाएंगे 78, और 11 का वर्ग कितना हो जाएगा? 121। अब 21 रख लो और 1 आगे भेज दो तो कितना हो जाएगा? 79 21। चलिए फिर से, अगर इसकी जगह संख्या होती 86, 100 से कितना कम? 14। तो संख्या में से 14 कम करना है। मैं पहले 10 कम करूंगा, 76, 4 कम करूंगा तो 72। अब 14 का वर्ग कितना? 196। तो 96 रखना है और 1 आगे जाएगा तो संख्या बनेगी 73 96। अच्छा, इसके बाद बात करें, संख्या होती मान लो 82, तो 100 से कितना कम? 18। तो मैं संख्या में से 18 घटाऊंगा। अगर आपके लिए ये मुश्किल हो कि पहले 10 घटाएं और फिर 8 घटाएं, तो आप इसको और आसानी से कैसे घटा सकते हैं कि आप इस संख्या में से 20 घटा दें। तो 82 में से 20 घटाया तो 62 होगा, और इसमें 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा? 64। ऐसा क्यों किया? क्योंकि ये संख्या 20 में 2 कम थी, तो मैंने पहले 20 घटाया और फिर 2 इसमें जोड़ दिया, 64। और क्या होता 18 का वर्ग? 324। 24 रखना है, 3 आगे हम भेज देंगे तो संख्या बनेगी कितना? 67 24। अच्छा, अब इससे आगे बात करें, अगर आपको संख्या मिल जाए 78, तो 100 से कितना कम? 22। तो सबसे पहले तो मैं 20 घटाऊंगा, 20 घटाते ही कितना हो जाएगा? 58। और 2 घटाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 56। यानी 78 में से 22 घटाया तो 56 बचेगा, और 22 का वर्ग कितना हो जाएगा? 484। अब 84 रखना है, 4 आगे जाएगा तो 60, ये 56 और 4 कितने होंगे? 60, और 7 में कितना? 84। तो इस तरह से आप 1 से लेकर 25 तक इन वर्ग की मदद से, हाँ, एक तो 50 बेस, इससे 25 से लेकर 75 तक वर्ग आप कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा 100 बेस, इसकी मदद से आप 75 से लेकर 125 तक के वर्ग कंप्लीट कर सकते हैं। अच्छा, परसेंटेज और इस पर आधारित जितने भी टॉपिक हैं, उन सब में 100 के आसपास जो नंबर हैं इनके वर्ग काम आएंगे, और जो 50 आधार है इसके जो वर्ग हमारे काम आएंगे वो क्षेत्रमिति, आयतन, इस तरह के टॉपिक में काम आने वाले हैं। अब 125 से आगे अगर मैं वर्ग की बात करूं, तो देखिए, जो हम 100 तक वर्ग निकालना हमने सीख लिया था, अब इन्हीं वर्ग की मदद से हम आगे की बात करेंगे। मैं आपको एक बार रिपीट करा दूं कि 100 से ऊपर अगर संख्याएं होती हैं तो इनका वर्ग हम कैसे निकालते थे। जैसे 104 का वर्ग मुझे निकालना है, तो ये 100 से कितना ज्यादा है? 4। तो मैंने संख्या में 4 जोड़ दिया, 104 प्लस 4 कितने हो जाएंगे? 108। और 4 का वर्ग कितना होता है? 16। तो संख्या बनेगी 108 16। अब मान लो 100 की रेंज में ही संख्या ना हो, संख्या हो 200 की रेंज में, 300 की रेंज में, 400 की रेंज में, 1000 की रेंज में, तब आप ऐसी संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे? देखिए, अगर आपको संख्या मिलती है मान लो 201, मुझे इसका वर्ग निकालना है, ये 200 से कितनी ज्यादा है? जैसे इसमें हमने कहा था कि ये 100 से कितना ज्यादा, तो बिल्कुल ऐसे ही हम इसे कहेंगे कि ये 200 से कितना ज्यादा है, क्योंकि इसका आधार हम 200 मानेंगे। तो ये 200 से एक ज्यादा है, तो मैंने क्या किया, इस संख्या में एक जोड़ दिया, तो 201 में एक जोड़ेंगे तो 202 हो जाएगा। लेकिन ये तरीका तो आधार 100 के लिए था, भाई आधार 200 के लिए एज इट इज हम इसको कैसे यूज कर सकते हैं? नहीं, आप क्या करेंगे, बस 201 200 से एक ज्यादा था, तो मैंने 201 में एक जोड़ा, 202 हो गया। अब ये आधार 100 के कंपैरिजन में क्या है? दो गुना है, तो मैं अब इसको 2 से गुणा कर दूं। अब अगर आप इसको 2 से गुणा करोगे तो संख्या क्या बनेगी? 404। मतलब मुझे शुरुआती 3 अंक मिल गए, जैसे यहां मिले थे।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जितना ज्यादा है उसी संख्या का मुझे वर्ग निकालना है, तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, एक होगा, जिसे मैं क्या लिखूंगा, जीरो एक। चलिए दोबारा देखते हैं कि 203 का वर्ग क्या हो जाएगा। इस बार आप क्या कहेंगे कि 200 से कितना ज्यादा है, तीन, तो मैं संख्या में तीन जोड़ूंगा, 206 हो जाएगा। अब जैसा कि आधार हमारे पास 100 हुआ करता था तब हम इसका यूज करते थे, अब दो गुना हो गया आधार, तो मैं भी क्या करूंगा, डबल कर दूंगा, तो 206 का डबल कितना हो जाएगा, 412। अब जितना ज्यादा है उसी संख्या का मुझे वर्ग निकालना है, तो तीन ज्यादा है तो तीन का वर्ग कितना, 09। आप कैलकुलेटर निकाल के देख सकते हैं कि यहां पर आपको 203 का वर्ग क्या होगा, 412 09, यही मिलेगा। अच्छा फिर से बात करते हैं, अभी जैसे मान लो संख्या होती 213, मुझे इसका वर्ग निकालना है, तो ये 200 से कितना ज्यादा है, 13, तो 213 में अगर मैं 13 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा, 226। लेकिन आधार 100 की तुलना में 200 क्या होता है, डबल होता है, इसलिए मैं भी क्या करूंगा कि जो मिलेगी संख्या उसका डबल कर दूं, तो 226 का डबल कितना हो जाएगा, 452। और जितना ज्यादा है उसी संख्या का आप यहां पे वर्ग निकालेंगे, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 रखना है और एक आगे जाएगा तो संख्या बनेगी 453 69। अच्छा चलिए फिर से बात करते हैं, अब इस बार मैंने लिखी संख्या 302, मुझे इसका वर्ग निकालना है। अच्छा 300 से कितना ज्यादा है, ये 2, तो मैंने 302 में 2 जोड़ दिया, जैसा हम 100 बेस पर करते थे बिल्कुल वैसे ही, तो संख्या बनेगी 304। अच्छा अब इससे आगे बात करें तो जैसा अभी हमने डिस्कस किया था कि ये तरीका 100 बेस में यूज करते थे, और अभी ये जो 302 है इसका आधार हमने 300 माना था, मतलब जो 100 आधार है उसके कंपैरिजन में ये तीन गुना हो गया, तो आप भी तीन गुना कर दो, तो 300 का 3 गुना 900 और 4 का 3 गुना 12 912 हो जाएगा। अब जितना ज्यादा है उसी संख्या का वर्ग निकाल दें, तो 2 4, इसे मैं लिखूंगा 04, ये होगी मेरे पास संख्या। चलिए आगे बात करते हैं, अगर इसके बाद संख्या मिले 408, अच्छा बताएंगे 400 से कितना ज्यादा, 8, तो मैं 408 में 8 जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 416। लेकिन 100 के कंपैरिजन में 400 कितना है, 4 गुना है, तो मैं भी इसको 4 गुना करूंगा, तो ये 1600, और 16 गुना 4 कितना होता है, 64, संख्या बनेगी 1664। 416 को 4 से गुणा करने में हमें बहुत ज्यादा यहां पर मेहनत नहीं लगेगी, हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं संख्या। अब आइए वापस, कितना ज्यादा था, 8 ज्यादा था, तो मैं क्या करूंगा, उसी 8 का वर्ग कर दूंगा, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये संख्या आ गई अपने पास। अच्छा मान लीजिए कि 512 होती संख्या, 512 का मुझे वर्ग निकालना है, तो 500 से कितना ज्यादा, 12, तो मैं 512 में 12 जोड़ दूं, 524 हो जाएगा। 524 100 के कंपैरिजन में, अब ये जो संख्या है मतलब ये जो बेस है 500, वो 5 गुना है, चलिए 5 गुना करते हैं, 500 का 5 गुना 2500 और 24 का 5 गुना 120। जब कभी आपको संख्याओं को गुणा करना हो तो गुणा करने का सबसे आसान तरीका यही है कि पहले संख्याओं को तोड़ो और फिर गुणा करके वापस जोड़ो, यानी इसे हम अंग्रेजों वाली नीति कहेंगे कि फूट डालो राज करो, कि 15 ये 2500 हो जाएंगे और 24 को 5 से गुणा करें तो 120। अगर आप 24 को 5 से गुणा ना कर पाए तो कोई बात नहीं, 20 को 5 से गुणा करें 100 और 4 को 5 से गुणा कर दें 20 हो जाएगा, तो 100 और 20 कितने हुए, 120 हुए। हमेशा यह तरीका याद रखना, आगे बहुत काम आने वाला है हमारे, कि संख्याओं को तोड़ो गुणा कर दो और फिर जोड़ दो, तो 2500 और 120 2620। अच्छा अब 12 का वर्ग कितना होता है, 144 होता है, तो मैं 144 लिखूंगा। अच्छा हमने ये भी सीखा था कि अगर मेरे पास वर्ग से 3 अंक मिलते हैं तो मैं 2 अंक रखूंगा और जो एक्स्ट्रा है उसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं आगे भेज दूंगा, तो संख्या बनेगी 2621 और साथ में कितना, 44। चलिए इसी को और आगे बढ़ाते हैं, अगर आपको संख्या मिलती मान लो ये 200 की ही रेंज में 198 मिलता, तो इस बार हम क्या कहेंगे कि संख्या 200 से, क्योंकि 100 बेस से बहुत दूर है, 220 के ज्यादा पास है, तो संख्या 200 से कितना कम है, 2, तो मैं संख्या में से 2 घटा दूं, जैसे हम 98 का वर्ग निकालते थे
बिल्कुल ऐसे ही कि 200 से दो कम है तो मैंने संख्या में से दो कम कर दिया, 196 हो जाएगा। अच्छा, अब हम 100 पर तुलना नहीं कर रहे, हम तुलना कितने पर कर रहे थे, 200 पे। तो जब बेस हमारा 200 है तो इसे मैं 2 से गुणा करूंगा, 180 और 12 कितने हो जाएंगे भाई, ये सॉरी 380 और 12 कितने हो जाएंगे, 392 ये संख्या हो जाएगी। मैंने 190 को 2 से गुणा किया और फिर 6 को 2 से गुणा किया और फिर मैंने दोनों को जोड़ लिया तो 392 हो गया। अच्छा, अब कितना कम था, 2 कम है तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 होता है लेकिन मुझे 2 अंक चाहिए वर्ग से तो मैं इसे क्या लिखूंगा, 04। चलिए फिर देखते हैं, अगर इसकी जगह संख्या होती 192, कितना कम, 8 कम, 192 200 से 8 कम है तो मैंने संख्या में से 8 कम कर दिया। जब आप 8 कम करेंगे तो संख्या क्या बनेगी भाई, 2 कम किया तो 90 और 6 कम किया तो 84। लेकिन तुलना 200 से हुई थी यानी बेस डबल हो गया तो हम भी इसका डबल करेंगे, 368 भाई, 180 का डबल 360 और 4 का डबल 8, ये कितने हो गए टोटल, 360 और 8 368। अच्छा, अब 8 का वर्ग कितना होता है, क्योंकि जितना कम है उसी संख्या का हम वर्ग करते हैं, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64। अच्छा, मान लीजिए इसकी जगह संख्या होती, आपको नंबर दे दे 296, आपसे इसका वर्ग पूछ ले, अच्छा ये किसके करीब है, 200 या 300, 300 के करीब है तो हम 300 बेस ले लेंगे इसमें, कि 300 से कितना कम है, 4, तो मैं संख्या में से 4 कम करूंगा, 292 हो जाएगा। अच्छा, लेकिन यह बेस कितना था, 300, जो 100 की तुलना में 3 गुना है तो मैं यहां इसको 3 से गुणा करूं। आपको कहोगे सर इसमें तो बड़ा टाइम लगेगा, बिल्कुल नहीं लगेगा, देखो 200 गुणा 3 600, 90 गुणा 3 270, 600 और 270 870 और 2 गुणा 3 6, 870 और 6 876, बताइए कहां टाइम लगा, 600 270 870 870 और 6 कितना हो जाएगा, 876। अच्छा, अब 4 का वर्ग कितना होगा, 4 का वर्ग अगर अपन चेक करें तो कितना होता है, 16। आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए इसकी जगह आपसे पूछ ले कि 494 का वर्ग, हालांकि इतनी बड़ी संख्याएं कभी पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हम इसके लिए तैयार रहें, 500 से 6 कम है, मैंने संख्या में से 6 कम कर दिया तो 494 में से 6 कम करोगे तो क्या बचेगा, 488। अच्छा, अब ये तुलना करें, 100 की तुलना में बेस हमने कितना लिया है, 5 गुना, चलिए 5 गुना करते हैं, फिर से वही तरीका, 400 गुना 5 2000, 80 गुना 5 400, तो 2000 और 400 2400 हुए और 8 गुना 5 कितने हो जाएंगे, 40, 2440। अच्छा, अब 6 का वर्ग कितना होता है, 36, तो 24 40 36, ये हमारे पास क्या बनेगी, एक संख्या आ जाएगी। यहां पर अब हम आगे बात करेंगे कि अगर संख्या 1000 की रेंज में है तो उसका वर्ग हम कैसे निकालेंगे। देखिए बड़ा आसान है, जैसे हमने 100 का वर्ग चेक किया था, एक बार चेक करते हैं 1000 का वर्ग। अच्छा, क्या कहते हो 1000 का वर्ग, कितनी हमें यहां पे मतलब कितने अंक मिलेंगे इस संख्या में, 1000 का जब आप वर्ग करेंगे तो आपको टोटल 7 अंक मिलेंगे, 1 का वर्ग 1 और 0 कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे, यानी 3 का डबल कितना होगा, 6। अब इसमें ध्यान रखना कि पहले हमने जब 100 का वर्ग किया था तो 10000 लिखा था, जिसमें शुरुआती 3 अंक और बाद में 2 अंक लिखे थे। ऐसे जब आप 1000 का वर्ग करेंगे तो शुरुआती 4 अंक एक साथ और लास्ट के 3 अंक एक साथ, यानी जोड़ने या घटाने से तो मुझे शुरुआती 4 अंक मिलेंगे और वर्ग करने पर मुझे इस बार कितने अंक चाहिए, 3 अंक। अगर 3 अंक नहीं मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, 0 लगा देंगे, और 3 से ज्यादा मिलेंगे तो हम क्या करेंगे, जो शुरुआती अंक है उसको हासिल मानकर हम आगे भेज देंगे। अच्छा, देखिए अगर संख्या होती 1002, तो इस बार हम 100 पे बात नहीं कर रहे, इस बार हम 1000 पर बात कर रहे हैं कि ये 1000 से कितना ज्यादा है, तो ये 1000 से 2 ज्यादा है तो मैं संख्या में 2 जोड़ दूंगा, 1004, कितने अंक मिल गए, 4 अंक मिल गए, कितने अंक बाकी हैं, 3 अंक। 3 अंक हमें कहां से मिलेंगे, वर्ग से मिलेंगे, कि जितना ज्यादा है उसी संख्या का वर्ग कर दो, तो 2 का वर्ग 4 होता है लेकिन मुझे 3 अंक यहां पर लिखने हैं तो उसी 4 को मैं क्या लिखूंगा, 004। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर इसकी जगह संख्या होती 1013, मुझे इस संख्या का वर्ग निकालना है तो 1000 से कितना ज्यादा है, 13, तो 1013 में मैं 13 जोड़ूंगा तो 1000 कितना हो जाएगा, 26। अब 1026 4 अंक मुझे मिल गए, अब
अगले तीन अंक मुझे कहां से मिलेंगे, संख्या के वर्ग से, नहीं मिलते हैं जीरो लगाएंगे, ज्यादा मिलेंगे तो मैं हासिल आगे भेज दूंगा। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, 169 होगा। अरे ये तो फिक्स तीन अंक मिले, तो इसका मतलब अपने पास संख्या बनेगी 1026, 169 जो 1013 का वर्ग है। अच्छा अब आप ध्यान रखना कि हमें अगर 100 तक वर्ग आते हैं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं 48 का वर्ग कितना, तो याद करो इसमें हमने क्या तरीका यूज किया था, इसमें हमने तरीका यूज किया था कि 48 50 से 2 कम है तो मैं 25 में से 2 कम कर दूंगा 23, और 2 का वर्ग कितना होता है 04। तो यहां मैं इसी तरीके का यूज करूंगा और 1048 का वर्ग निकालते हैं। जैसा हमें पता है 7 अंक मिलेंगे, पहले 4 और बाद में 3, तो 1048 हजार से कितना ज्यादा है, 48 ज्यादा है, तो मैं इसमें 48 जोड़ दूं, कितने हो जाएगी संख्या 1096। अच्छा अब 48 का वर्ग, जैसे अभी अभी हमने सीखा कि 50 बेस पर ये 48 आता है तो इसका वर्ग हो जाएगा कितना 2304। तो मैं अंतिम तीन अंक रखूंगा और 2 को आगे भेज दूंगा तो संख्या बनेगी 1096 की जगह अब 1098 हो जाएंगे, और साथ में कितना आएगा 304 आएगा। तो इस तरह से आप हजार के आसपास संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं। चलिए एक और संख्या लेते हैं, जैसे मान लो अगर इसकी जगह 997 होता, मुझे इसका वर्ग निकालना है, तो 997 हजार से कितना कम है 3, तो मैं संख्या में से 3 कम करूंगा। बिल्कुल वही तरीका जो हम 100 से छोटी अगर संख्या 97 मिलती है हम उसके वर्ग में यहाँ पर यूज करते हैं, तो 997 हजार से 3 कम है तो मैंने संख्या में से 3 कम किया तो 994 हो जाएगा। अच्छा इस बार हम कोशिश नहीं करेंगे 4 अंक मिलेंगे, क्योंकि हमें पता है कि अगर ये 10 लाख से छोटी संख्या होगी तो वो 6 अंकों की बनेगी, और अंतिम 3 अंक हमें कहां से मिलेंगे, वर्ग से। तो पहले 3 तो मिल गए और अंतिम 3 का हमें पता है कि वर्ग से मिलेंगे। अब इस 3 का वर्ग यानी जितना कम है उसी संख्या का वर्ग निकालेंगे, तो 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9 होगा, जिसको मैं लिखूंगा 009। चलिए फिर से एक और संख्या की बात करते हैं, अगर इसकी जगह आपसे संख्या पूछ लिया जाए, मान लो संख्या होती इसकी जगह 986, इसका वर्ग निकालना है, तो हजार से कितना कम 14 कम है, मैं संख्या में से 14 कम कर दूं। अगर आप 10 कम करेंगे 76, 4 कम करेंगे तो कितना 72 होगा। अच्छा अब इसके बाद 14 का वर्ग कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा, तो हम कहेंगे 972 196। अच्छा फिर से एक और संख्या देखते हैं, अगर इसकी जगह आपको मिल जाए जैसे यह संख्या होती 978। अब याद करो 78 का वर्ग हमने कैसे निकाला था, 78 का अगर मुझे वर्ग निकालना है तो ये कितना कम है 22 कम है, 78 में से 22 घटाना था, 20 घटाया 58, 2 घटाया तो 56, और 22 का वर्ग कितना 484, तो ये 6084 होता है। तो मुझे 78 का वर्ग याद रखना, 978 तो बहुत आसान है, यहां पर ये हजार से 22 कम है तो मैं संख्या में से 22 घटा दूं, 20 घटाया, फिर से वही बात आ गई कि 20 घटाएंगे इसमें से तो हमारे पास क्या बचेगा 58, 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 56, तो ये संख्या तो बनी 956। अच्छा अब इसके बाद 22 का वर्ग करना है तो 22 का वर्ग कितना हो जाएगा 484। अगर आप देखेंगे कि जो प्रोसीजर हमने यहां यूज किया था वो तो एज इट इज यहां पे काम आ रहा है, इसका मतलब ये जो 9 था ये तो लगेज है इसमें, हमें तो क्या लेके चलना था, बस 78 लेके चलना था। इस तरह से आप हजार के आसपास संख्याओं के वर्ग निकाल सकते हैं, हालांकि बहुत कम ये काम में आएगा कैलकुलेशन में, लेकिन फिर भी हम तरीका याद रखें कि हमारे पास 100 बेस था, उस 100 बेस की मदद से हमने उसी तरीके में एक छोटा सा चेंज किया है और हमने ये नया तरीका निकाला। चलिए अगले वीडियो में कुछ और नया सीखेंगे। धन्यवाद।